तो एक बार फिर से राघवेंद्र से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तीन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के द्वारा पथराव किया गया, फायरिंग की गई, उससे लेकर के लोगों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। और नाराजगी की वजह से आज ये जो आगजनी की गई है, जो तोड़फोड़ की गई है, वो साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये लोग इसी तरीके से रुकने वाले नहीं है, शांत होने वाले नहीं है। और साफ तौर पर यह कहा भी जा रहा है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने हत्या की है, उन्हें सीधे फांसी की सजा दी जाए। वृंदा शुक्ला जो कि एसपी है, वो खुद उतरी हुई है अब मौके वारदात पर, लोगों को शांत करवा रही हैं। उनका कहना है कि कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की है कि किसी भी तरीके से जो ये आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाए और यहाँ पर सीधा एक्शन लिया जाए। तस्वीरें बानगी बता रही है कि किस तरीके से वृंदा शुक्ला का उतरना, यानी सीधा संदेश है अपने आप में कि जो आरोपी थे उन्हें अब संभालना होगा, कोई भी बचेगा नहीं। और 10 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साथ ही इस पूरे मामले में कुछ और लोगों की तलाश भी की जा रही है कि आखिरकार क्यों ये बवाल बरपाया गया, क्यों ये दंगे की साजिश रची गई और बार बार हिंदू त्योहारों पर ही आखिरकार इस तरीके से हमले क्यों होते हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है जहां पर लोगों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। बहराइच में बवाल क्यों हुआ, इसे पूरा ग्राफिक के माध्यम से समझिए। मूर्ति विसर्जन पर सबसे पहले हंगामा होता है, दूसरी तरफ पुलिस का लाठीचार्ज होता है, युवक की मौत के बाद हंगामा होता है, गांव वाले प्रदर्शन करते हैं, बवाल और आगजनी और उसके बाद पुलिस फोर्स की तैनाती। तो देखिए कि तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बहराइच में जो कार है उसमें आग लगा दी गई। बहराइच में एक कार का शोरूम जला दिया गया। एक एक तस्वीर बता रही है कि कैसे माहौल खराब करने की यहां पर कोशिश की गई। वो भीड़ जो उग्र हो चुकी है, वो युवक जिसको कल गोली लगी, जिसकी जान चली गई, दूसरी तस्वीर देखिए दुकान में कैसे आग लगा दी गई। बहराइच की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे यहां पर ये बाइक का शोरूम है जिसमें आग लगा दी गई, देखिए बाइक जल रही है। इसी तरीके की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो इस वक्त बहराइच से निकल कर आ रही है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कहे एक के बाद एक वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि क्या ये पूरी प्लानिंग थी जिसके तहत अब ये आगजनी की जा रही है। पहले विसर्जन के दौरान फायरिंग की गई और उसके बाद अब आगजनी की तस्वीर देखिए, गाड़ी को कैसे जला दिया गया। चारों तरफ इस वक्त बहराइच में सिर्फ और सिर्फ आगजनी की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पुलिस की तैनाती है, पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितनी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, देखिए जितनी गाड़ियां वहां पर थी उन सब में आग लगा दी गई है। गाड़ियों की शोरूम, दवाओं की दुकानें, हॉस्पिटल, सबको एक तरह से कहें कि वहां पर जलाने की कोशिश की गई है। ये आप देख रहे हैं को कैसे जला दिया गया और ये अभी भी जो भीड़ है वो यहां नजर आ रही है। भीड़ अभी भी सड़कों पर है, आगजनी अभी भी की जा रही है, हालांकि पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार जारी है इन लोगों को रोकने के लिए। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये घर के अंदर कैसे बाइक रखी थी इसको जला दिया गया, यानी वहां जो लोग हैं उनको कैसे डराने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला मूर्ति विसर्जन में फायरिंग के बाद शुरू हुआ था। और ये देखिए आज की जो तस्वीरें वो हम दिखा रहे हैं, ये हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाई, शोरूम की तस्वीरें दिखाई, अभी क्या कुछ हालात है ग्राउंड से सीधे एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यह देखिए लाठी चार्ज की स्थिति, यहाँ लाठी चार्ज की स्थिति, ये देखिए पथराव लाठी चार्ज, ये देखिए पथराव लाठी चार्ज, ये देखिए पुलिस और लोगों में संघर्ष, यही रहो दीपक, आगे मत जाओ, यहीं से दिखाओ, यहीं से, ये देखिए किस तरह के चल रहा है, देखो चोट ना लगे, आप देखिए इस तरह का जो माहौल है देख सकते हैं ना, संघर्ष। मेरे सामने ये दमकल की गाड़ी आ चुकी है और ये अब आग बुझाने की कोशिश करेगी, आग बुझाने का यह प्रयास करेगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है, वहाँ पर भी कुछ अधिकारी देखिए आ रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा के बीच में, वो कुछ कमांडो की तरह दिख रहे हैं, वो सुरक्षात्मक काली जैकेट पहने हैं। ये देखिए ये एक्शन, ये देखिए किस तरह का त्वरित एक्शन है, ये है फायर सर्विस के पुलिस जवान जो तुरंत अपने काम में लग गए हैं। आप देखिए ये तुरंत देखिए, ये पहले पाइप को यहाँ पर लगाते हैं, ये देख रहे हैं एक बड़ा सा प्लग करके, इनकी मैं सहायता भी कर देता हूँ यहाँ कस के, आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाए और मैं ये सहयोग भी कर रहा हूँ, मैंने इस पाइप को भी पूरी तरह से कस दिया है ताकि यहाँ पर पाइप लीक ना हो और बढ़िया जो पानी है वो सही जगह पर पहुँच जाए। तो यहाँ पर पानी है और वहाँ पर देखिए पाइप पहुंच गई है, अब बस कुछ ही मिनटों में इसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्या यहां माहौल है, किस तरह के, देखिए यहां पर ये कमांडोज भी आ रहे हैं, इनके हाथों में डंडा है, ये देखिए जो अधिकारी हैं, और ये देखो पानी का ये काम शुरू हो चुका है, अब देखिए काम शुरू हो गया है, आप देखिए ये देखिए बुझाने का काम शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं
कि ये देखो पानी यहाँ पे खोल दिया गया है, देखिए पानी खोल दिया गया है, बस तुरंत ये एक्शन शुरू होने जा रहा है। आप देखिए कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पुलिस ये फायर सर्विस की गाड़ी पहुँच जाती है। ये देखिए इस कार को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, चूँकि कार अंदर से जल रही, बाहर से पूरी तरह से चल चुकी है, अंदर भी जल रही है, घर इसके चपेट में न जाए इसके लिए देखिए इस तरह का ये गाड़ी, ये दमकल की गाड़ी पहुँच के यहाँ पर अपना काम कर रही है, इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। काफ़ी आग अंदर से लेकर बाहर तक फैल चुकी है, कार पूरी तरह से जल गई है, सभी टायर्स जल गए हैं, बाहर की पूरी गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। ये देखिए इस तरफ से काफ़ी प्रेशर है इस पानी में, और बस कुछ ही मिनटों में इस तरह से इस कार पे काबू पा लिया जाएगा। आप देखिए अभी भी गाड़ी अंदर से जल ही रही है, आप देख रहे हैं कि जो आग की लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से एक्शन लगातार यहाँ पर हो रहा है, एक तरफ अगर आगजनी हो रही है तो दूसरे तरफ इसको बुझाने का भी काम शुरू है। आप देख सकते हैं पहले ये फायर सर्विस की जो गाड़ी है वो वहाँ पर आती है, देखिए वहाँ भी कुछ आगजनी की घटना हुई है, शायद इसको बुझाने के बाद वहाँ पर पहुँचे। तो देखिए किस तरीके से ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे थे कि वहां के हालात क्या हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का स्वयं संज्ञान लिया है और एक्शन भी तेजी से किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही है, कई लोगों की तलाश जारी है, लेकिन ये तस्वीरें इस समय वहां के हम दिखा रहे हैं कि माहौल तनावपूर्ण हो चुका है, क्लिनिक्स को जला दिया गया है, कारों में आग लगा दी गई है, आगजनी की जा रही, तोड़फोड़ की गई है। सवाल यही कि आखिर ये बवाल क्यों हो रहा है, उसे भी पूरे तरीके से यहाँ पर शांत करवाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बहराइच में जो बवाल हुआ है उसकी सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। इसी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां बहराइच में हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की है, अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई है, सभी उच्च अधिकारी इसमें मौजूद रहे हैं। बहराइच में जो बवाल हुआ है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी नजर है, और अब उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ ये मीटिंग ली है, हर चीज को समझाया है कि आखिरकार किस तरीके से ये जो पूरा बवाल है वो भड़का है, आखिरकार वो दंगाई कौन थे जिन्होंने इसे भड़काने का प्रयास किया, जिन्होंने बहराइच को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया, लोग सड़कों पर उतर करके अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गोली मारी है, जिन लोगों ने इस पूरे जुलूस के दौरान गोलियां चलाई, तो देखिए किस तरीके से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वहां पर प्रदर्शन हो रहा था लेकिन उसके बाद अचानक से वहां पर हिंसा हो गई। इसी मामले पर डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है, जो भी दोषी होगा जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी, स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं, जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करने में, पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करे। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो पुलिस है वो कोशिशें कर रही है कि मामले को शांत करवाया जाए किसी भी तरह, क्योंकि भीड़ इस वक्त गुस्से में उग्र हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है वो लोग जो चाहते नहीं कि वहां पर शांति रहे, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर, हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में अगर देखें तो 10 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है, 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लगातार यूपी के डीजीपी बहराइच जा सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। बड़ी बैठक हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक कर रहे हैं, इस मामले में एक्शन भी हुआ है, सस्पेंशन भी हुआ है चौकी इंचार्ज का, क्योंकि समय रहते अगर इस भीड़ को काबू में कर लिया जाता तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह से मूर्ति विसर्जन के लिए पूरी की पूरी एक तरह से कहें कि लोगों की वो भीड़ नजर आ रही थी जो विसर्जन के उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, लेकिन उसी वक्त विशेष समुदाय के लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, उसी के बाद ये जो मामला है ये और बढ़ता चला गया। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि
शांति व्यवस्था वहां पर बन सके। ये तस्वीर जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से आगजनी की गई, तोड़फोड़ हुई, यानी कि माहौल बहुत ज्यादा खराब वहां पर हो गया था, जिसके बाद वहां पर फोर्स की तैनाती की गई। और देखिए तीसरी तस्वीर में किस तरीके से वहां कई चीजों को आग लगा दी गई है। और ये कल जो हिंसा के बाद आज एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तीन तस्वीरों के जरिए आप वहां के हालात समझ सकते हैं। बहराइच में इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है। अरे तो तीन तस्वीरें आगजनी और तोड़फोड़ की, बहराइच से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और आज जो बवाल हुआ है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए, कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें सीधे तौर पर आगजनी की गई है। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि ये जो अशांति फैली हुई है लोगों को काबू में किया जा सके, शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, 10 पर केस दर्ज कर लिया गया है, 30 को हिरासत में लिया गया है, FIR बकायदा दर्ज की गई है। जिन लोगों ने इस पूरे मामले को भड़काया था, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने गोलीबारी की, उनमें से ऐसे 10 लोग हैं जिन पर सीधे तौर पर FIR हुई है, 30 लोग पुलिस की हिरासत में बताए जा रहे हैं। लेकिन आज फिर से एक बार हिंसा भड़की, लेकिन ये हिंसा उसी हिंसा के लिए भड़की जो पहले हुई थी, यानी जो पहले हुआ था उसकी वजह से लोग गुस्से में थे, जिसके बाद वो सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे। 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा उनके द्वारा निकाली गई थी उस व्यक्ति के, जिससे 13 गोलियां मारी गई थी। अब इसी दौरान ये प्रदर्शन भड़क जाता है, आगजनी होती है, कई शोरूम है जिनमें आग लगा दी जाती है, क्लिनिक में आग लगा दी जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, गाड़ियों में वाहनों को भी फूंक दिया जाता है, घरों को भी जलाने का प्रयास किया जाता है। और अब इसे शांत करने के लिए फ्लैग मार्च निकाल करके पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव वालों का प्रदर्शन भी आप एक तस्वीर में देख सकते हैं। बवाल और आगजनी के बाद जो स्थिति बनी वो भी देखिए, पुलिस ने सबको शांत करवाने के लिए, काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गांव वालों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद यहां पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, अचानक से ये प्रदर्शन जो है हिंसा को चला और इसी में एक्शन भी लिया गया है, यानी कि महसी थाने के जो SHO हैं और चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से विसर्जन, दुर्गा पूजा में विसर्जन के दौरान यह हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद गोली चली फायरिंग होने के बाद, और आज ये स्थिति। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में हिंसा का मामला, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, करीब 30 लोग पुलिस की हिरासत में है इस समय, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अब एक्शन लिया जा रहा है, हिंसा का मामला जिसमें 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं कंट्रोल हो रही है। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं कंट्रोल। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं कंट्रोल हो रही है। SP जो वहां पर मौके पर मौजूद है, उनको आप सुन रहे थे, जब उनसे सवाल किया गया कि अभी स्थितियां कैसे कंट्रोल होंगी, तो इसको लेकर उन्होंने कहा अभी स्थितियां कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन एक तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है, सवाल उठाने वाली है कि आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, क्योंकि आप देखिए दुकानों को जला दिया गया, बाइक शोरूम को जला दिया गया, या आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में भी किस तरह से आग लगा दी गई, यानी साफ तौर पर नजर आता है कि यहां माहौल खराब करने की कैसे कोशिश की गई है। ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, दुर्गा विसर्जन के लिए सब के सब जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त कैसे कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर उसमें एक शख्स की मौत हो गई। राघवेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, SP को हम सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन सवाल तो ये आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे? ये अजय के पापा। तो एक बार फिर से राघवेंद्र से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तीन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के द्वारा पथराव किया गया, फायरिंग की गई, उसे लेकर के लोगों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। और नाराजगी की वजह से आज ये जो आगजनी की गई है, जो तोड़फोड़ की गई है, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये लोग इसी तरीके से रुकने वाले नहीं है, शांत होने वाले नहीं है। और साफ तौर पर ये कहा भी जा रहा है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने हत्या की है, उन्हें सीधे फांसी की सजा दी जाए। वृंदा शुक्ला जो कि SP है, वो खुद उतरी हुई है अब मौके वारदात पर, लोगों को शांत करवा रही है, उनका कह रहा है कि कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री